सो हाय गाइस, माय नेम इज गुरमीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर्स। दोस्तों आज हमारे साथ है बोलेरो नियो N8 वेरिएंट जो कि मिड ट्रिम है और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर और गुड लुकिंग मस्कुलर दिख रही है ये गाड़ी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाबी के बारे में। चाबी में जो है आपको लॉक और अनलॉक स्विच देखने को मिल जाता है और ये जो बीच वाला स्विच है इससे जो है इंडिकेटर कुछ इस तरह से ब्लिंक होते हैं। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, आपको फ्लिप की देखने को मिलती है और जो दूसरे की मिलती है वो आपको जो है वो भी फ्लिप की देखने को मिलती है। ये चाबी कुछ इस तरह की है लेकिन इसके अंदर जो है आपको स्विचेस वगैरह नहीं मिलते हैं, ये नॉर्मल फ्लिप की है। तो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट लुक से जो है काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर लगती है, मतलब TUV की याद ज़रूर आती होगी अब ऑब्वियसली इसको देखने के बाद। आपको जो है इसमें कुछ इस तरह के हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलती हैं और यहाँ पे LED DRL की जगह क्रोम का वर्क दिया हुआ है क्योंकि ये बीच वाला वेरियंट है, N8 वेरियंट है। और यहाँ पर जो है आपको इंडिकेटर दिए हुए हैं और बाकी बीच में ग्रिल की बात करें तो ये आपको सेटिन फिनिश में देखने को मिलती है, क्रोम का वर्क इसमें नहीं है। बाकी ग्रिल काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अगर हम लोअर पार्ट की बात करें तो बम्पर भी काफ़ी जो है ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, टॉप मॉडल की तरह नहीं है लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब जिनका बजट थोड़ा सा कम है वो इस गाड़ी को ऑब्वियसली कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो है हमें फोगलेम देखने को नहीं मिलते हैं। तो बाकी हम बात करें साइड के बारे में तो आपको यहाँ पर जो है फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो आपके ORVMs हैं वो आपको बॉडी कलर में देखने को मिलते हैं। और नीचे हम टायर की बात करें तो आपको जो है 215/75 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, 21575 और 15 इंचेस के जो है आपको व्हील साइज़ देखने को मिल जाता है। काफ़ी मोटा और काफ़ी बढ़िया टायर है और ये आपको जो है नॉर्मल व्हील केप में देखने को मिलते हैं, इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलता है। N8 वेरियंट है ये और स्टील व्हील्स में है। एलोय व्हील आप लेना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर वाले वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। और फुटबोर्ड आपको इसमें देखने को मिलता है, पूरा आगे से पीछे तक जो है फुटबोर्ड दिया हुआ है, रन करता है पीछे तक। और अब बात करें साइड की बारे में और बात करें तो ये जो आपको बोलेरो की साइड क्लेडिंग देखने को मिलती है, जैसे कि बोलेरो में आपको देखने को मिलती है, ऑब्वियसली ये बोलेरो नियो है तो आपको पूरी गाड़ी पर ये जो है क्लेडिंग साइड में देखने को मिलती है। बता देता हूँ जैसे कि ये बोलेरो है जिसमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है क्योंकि ये बोलेरो ये जो है बोलेरो की खासियत है तो इसमें भी आपको मिल जाती है। बाकी ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी बड़ी विंडो है तो अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रूमी फील होने वाला है, काफ़ी बड़ा इंटीरियर स्पेस है। बाकी रियर लुक की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको बोलेरो नियो की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ से डोर ओपनर दिया हुआ है। डोर ओपनर की अगर हम बात करें तो ये आपको जो है ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं। बाकी पीछे यहाँ पर भी बोलेरो लिखा हुआ है, यहाँ महिंद्रा का लोगो है, ये आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता है और नीचे भी जो है फुटबोर्ड दिया हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए। बाकी यहाँ पर जो है आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, दोनों तरफ जो है रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं। बाकी इस गाड़ी में आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें स्पेयर व्हील की तो स्पेयर व्हील भी जो है आपको 215/75R15 का देखने को मिलता है जो कि सेम साइज़ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो स्पेयर व्हील है वो सेम साइज़ का है। आपको रियर वाइपर और रियर डिफोगर यूनिट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप यहाँ अवेलेबल है, लिव यंग लिव फ्री यहाँ पर लिखा हुआ आता है महिंद्रा की गाड़ियों में। और जैसा कि आपको पता ही है ये जो है N8 वेरियंट है, पीछे की हेडलैम्प जो है काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी सुंदर लग रही हैं, पीछे से जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, इस लुक को आप देख सकते हैं। एक बार गाड़ी का जो है साइड लुक मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। साइड से जो है काफ़ी टॉल बॉय डिज़ाइन है बोलेरो नियो का, काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में, मस्कुलर टॉल बॉय, विंडो ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी आपको इंटीरियर स्पेस में बहुत अच्छा मिलता है, हेडरूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलता है, काफ़ी सुंदर दिखने में ये लगती है ग्रिल वगैरह। अगर मैं बात करूँ इसके डायमेंशन के बारे में तो डायमेंशंस जो हैं आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, लेंथ विड्थ और हाइट और व्हील बेस भी जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये एक सब 4 मीटर जो है SUV है और आपको जो है सारी की सारी डिटेल जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो अगर हम बात करें ड्राइवर डोर के बारे में तो ड्राइवर डोर पर जो है आपको किसी तरह के यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलते हैं। ये जो है आपको इनसाइड डोर ओपनर दिया हुआ है ब्लैक में और ये आपको कुछ पकड़ने के लिए दिया हुआ था, गेट वेट बंद करने के काम आएगा। यहाँ जो है आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर है और यहाँ कुछ जगह है जहाँ आप कुछ सामान रख सकते हैं। तो गाड़ी को जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है की होल जो है इल्यूमिनेटेड है, ये काफ़ी काम आता है रात को, तो इसको हम चालू कर लेंगे अभी।
तो बोलेरो नियो लिखा हुआ आता है, यहाँ पर भी महिंद्रा राइज लिखा हुआ आता है, और जब स्टार्ट करते हैं तो ये फ्यूल ऑन रिजर्व बता रहा है ये, और ये काफ़ी सारी बोलता भी है, मतलब वेलकम टू बोलेरो नियो इस तरह की बातें ये करता रहता है। तो बात करें हम MID की, तो यहाँ पर जो है आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है, कुछ वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलती है, हैंड ब्रेक की और इंजन टेम्परेचर वगैरह की दी हुई है, काफ़ी सारी जो है वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलती है, लो फ्यूल के लिए भी यहाँ पे दी हुई है, सीट बेल्ट के लिए दी हुई है, बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम की जब भी गाड़ी चलेगी तभी जो हट जाएगी, तो इससे जो है आप चीज़ें देख सकते हैं, डिस्टेंस टू MT बता रहा है कुछ, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी ये बता रहा है, और इसकी बात करें हम तो डिजिटली स्पीड जो है ये बता रहा है यहाँ पर, कुछ वार्निंग वगैरह है सेटिंग्स में आपको, मैं इसमें जो है क्लॉक सेटिंग्स वगैरह हमें मिल जाती है, जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं आपको, तो इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पर जो है क्लॉक सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। ट्रिप ए के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है, ट्रिप बी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है, और ऑडोमीटर नीचे दिया हुआ है, तो टाइम हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, और टाइम हमें जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है, यहाँ पर ऊपर जो है टाइम दिया हुआ है, यहाँ आप टाइम देख सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात करें हम बाकी चीज़ों के बारे में, तो ये जो है आपको इंजन टेम्परेचर गेज यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये जो है फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो बाकी चीज़ों की बात करते हैं, ये ऑब्वियसली सेम थार वाला ही जो है स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर जो है आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ये आपको जो है म्यूट कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, कॉल रिजेक्ट वगैरह कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, सोर्स जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, रेडियो वगैरह जो भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो वो भी आ जाएगा। आप ORVM को सेट करने के लिए जो है एक जॉयस्टिक दी हुई है, यहाँ से जो है आप ORVM को जो है सेट कर सकते हो। बाकी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है AC वेंट दिया हुआ है, सेम यहाँ पर सिल्वर फिनिश टाइप दिया हुआ है, सेटिन फिनिश जो है यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ नीचे की तरफ हम, तो यहाँ पे ESS या हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल जाता है, ये आपको डिफोकर दिया हुआ है और ये इको मोड दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है हेडलैम्प को लेवल कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट के बारे में, तो आपको जो है टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिकली आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और काफ़ी सही स्टीयरिंग व्हील है, ऐसा कुछ मतलब रगड़ और टफ गाड़ी है तो वैसा ही कुछ स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिल जाता है। बात करें हम सेंटर की, तो यहाँ पर जो है कुछ स्पेस है, यहाँ पे सामान आप रख सकते हैं, और डुअल टोन में आपको जो है ये डैशबोर्ड देखने को मिलता है, और ब्लैक एंड बेज कलर में देखने को मिल जाता है, और बाकी यहाँ AC वेंट दिया हुआ है, AC वेंट के सराउंडिंग में आपको सेटिन फिनिश दी हुई है, यहाँ से जो है आप इसको सर्कुलेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब एयर सर्कुलेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे की बात करें हम, यहाँ पर जो है 3.5 इंचेस का आपको एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि टच स्क्रीन नहीं है, और यहाँ से जो है आपको सेटअप वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, इसको टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं सीधे सीधे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ सीधे सीधे बटन दिए हुए हैं, सोर्स वगैरह के लिए दिए हुए हैं, टेलीफोन कनेक्टिविटी के लिए दिए हुए हैं, अगर आपका कोई फ़ोन कनेक्ट होता है तो वो यहाँ से हो जाता है, तो जैसे रेडियो वगैरह के लिए भी आपको चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। ये जो है आपको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है स्विच, तो यहाँ से आप जो है वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है हैज़र्ड लाइट्स के लिए जो है आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप हैज़र्ड लाइट्स चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है आप एयर फ्लो आपको कहाँ चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, डिफोगर पे भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से जो है आप फैन स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इस बटन से जो है आप AC का टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि आपको किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, कूल में चाहिए या हॉट में चाहिए। नीचे जो है AC का कंट्रोल दिया हुआ है, AC में आपको जो है इको मोड भी दिया हुआ है, यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए स्विच दिया हुआ है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक USB सॉकेट भी है, और ऑक्स का सॉकेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इससे नीचे की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पेस है, और यहाँ उसके पास में जो है गियर स्टिक, 5-स्पीड का गियरबॉक्स हमें इसमें देखने को मिल जाता है। उससे नीचे की बात करें तो यहाँ पर जो है पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, कोई भी विंडो जो है ऑटो डाउन या ऑटो अप नहीं है, ड्राइवर की भी नहीं है, सारी की सारी आपको दबा के रखनी पड़ेगी तभी काम करेंगी, और कुछ ये चाइल्ड लॉक दिया हुआ है विंडोज़ वगैरह के लिए। इसके नीचे यहाँ पर कुछ स्पेस है, ये आपका हैंड ब्रेक टिप है जो कि थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है 2 कप होल्डर और 1 बोतल होल्डर दिया हुआ है। बात करें अगर हम सीट्स के बारे में, तो सीट जो है ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, मतलब रगड़ और टफ गाड़ी के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छी है,
तो बाकी बात करें हम यहाँ की, तो यहाँ पर जो है आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि कूल्ड नहीं है और थोड़ा छोटा है। यहाँ पर आप जो है सिर्फ थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, जैसे सर्विस बुक वगैरह यहाँ रखी हुई है, बाकी सामान आप नहीं रख पाएंगे यहाँ पर। यहाँ आपको एयरबैग देखने को मिल जाता है और यहाँ पर दो ट्विटर दिए हुए हैं और स्पीकर भी दिए हुए हैं। बात करें हम यहाँ की, तो यहाँ पर जो है आपको टोल रिसिप्ट होल्डर देखने को मिल जाता है, और इसको अगर हम यहाँ कर दें तो ये इतना सारा स्पेस जो है यहाँ पर छूट जाता है। तो और यहाँ पर जो है आपको एक लाइट मिल जाती है जो कि येलो कलर की है, एलईडी नहीं है। और यहाँ आपको जो है माइक देखने को मिल जाता है, और यहाँ आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। आपको जो है पकड़ने के लिए वहाँ पर ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह के हैं, और आगे यहाँ पर जो है ट्विटर देखने को मिल जाते हैं दोनों पिलर पे। अगर मैं बात करूँ इसके विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है, मतलब बोनट दिखाई देता है पूरा पूरा। मैं अपनी ड्राइविंग के मेरी आंखों के सामने जो है अगर मैं मोबाइल को रखूँ एकदम आंखों के सामने, तो पूरी तरह से जो है बोनट विजिबल है, और ये काफ़ी अच्छी बात है इस गाड़ी के बारे में। आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करने के लिए IRVM देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है तो इसका एक बेनिफिट भी होता है, और पूरा SUV वाला फील ये आपको देती है। मतलब आप गाड़ी में ऊंचा बैठते हो, बोनेट पूरा विजिबल होता है, थोड़ा किंग वाली फील आती है बोलेरो में बैठकर, और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी जो है ना काफ़ी अच्छी है। विंडो एरिया, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बीच का ये वेरियंट है तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं लोअर मॉडल से अपग्रेड करते हो तो। बाकी रिकमेंडेड है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड तो आपको टॉप मॉडल ही है, बाकी देखना चाहो तो देख सकते हो। बीच का वेरियंट भी काफ़ी, जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है वो बीच का मॉडल भी देख सकते हैं। तो बात करें अगर हम इसके हेडरूम के बारे में, तो हेडरूम जो है मोर देन सफिशिएंट है यार, मतलब कितना सारा हेडरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने फिट का बंदा बिठा लो भाई, 6'3" वाला भी बैठेगा ना, 6'2" 3 छः फिट से ऊपर वाले जो बैठेंगे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, सीट भी जो है, सीट का कंफर्ट भी जो है काफ़ी सही है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी XUV300 की, ऑब्वियसली वो एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी सीट हम इसे कह सकते हैं। तो मैंने जो है इस सीट को मेरी हाइट के अकॉर्डिंग से सेट कर लिया है। हाँ, हाइट से याद आया, इस वाले वेरियंट में जो है आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, तो मैंने अपने हिसाब से आगे पीछे करके सेट कर लिया है। तो अब मैं जो है पीछे जाके बताता हूँ कि इसमें जो है कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है बीच की रो पर। तो मैं आ गया हूँ बीच की रो पर, और बीच की रो में आने के बाद जो है ऐसा लगता है कि भैया जगह ही जगह है मेरे जैसे इंसान के लिए। मतलब मैं ज़्यादा मोटा भी नहीं हूँ और ज़्यादा हाइट भी नहीं है मेरी, मतलब 5'7" 5'8" वाले जो लोग हैं वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा मोटा भी नहीं हूँ, तो ऐसे कुछ किसी भी गाड़ी में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी हेडरूम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे मिल रहा है, इतना ज़्यादा जो है आपको हेडरूम मिल जाता है, तो पीछे जो बैठने वाले हैं वो भी कंफर्टेबल रहेंगे। बात करूँ मैं थाई सपोर्ट की, तो मेरे लिए तो 5'7" 5'8" वालों के लिए थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। नीचे जो है पैर स्ट्रेच करने के लिए भी जगह है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। लेग रूम की अगर हम बात करें तो लेग रूम जो है आपको इतना ज़्यादा मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको जो है लेग रूम भी देखने को मिलता है। बात करें अगर हम पीछे के दरवाजे की, तो यहाँ पर जो है आपको डोर ओपनर दिया हुआ है जो कि ब्लैक कलर में दिया हुआ है, और ये आपको पकड़ने के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो है पावर विंडो कंट्रोल दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको एक बोतल होल्डर दिया हुआ है जो कि काफ़ी जगह है इसके अंदर, आप आराम से जो है 1 लीटर की बोतल आराम से आ सकते हो, और भी कुछ सामान आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी और कोई आपको कोट हैंगर वगैरह नहीं दिया हुआ है यहाँ। काफ़ी सही आपको स्पेस जो है देखने को मिल जाता है, और पीछे जो है आपको दो रियर हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। पीछे आपको जो है किसी तरह का आपको आर्मरेस्ट भी देखने को नहीं मिलता है। बात करें अगर हम मैगजीन होल्डर के बारे में, तो आपको जो है पीछे की सीट पर जो है पैसेंजर साइड में आपको एक मैगजीन होल्डर भी देखने को मिल जाता है, और आपको जो है पीछे पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाते हैं। पीछे जो रूफ़ है बेज कलर में आपको दी हुई है, और ये काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। मतलब पीछे बैठ के आपको ऐसा लगेगा यार कितनी जगह है गाड़ी में, बहुत जगह है, आराम वाला और थोड़ा सा बड़ी गाड़ी वाला फील जो है ये आपको देता है। और पीछे से जो है कुछ इस तरह का लुक है डैशबोर्ड का आप देख सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी 7 सीटर है। तो अब हम चलते हैं इसके पीछे वाली सीट्स पर, तो वहाँ जाके आपको बताएंगे कि आपको इसमें कितना स्पेस मिलता है बैठने पर। तो चलते हैं पीछे की सीट पर। उतरने करने के लिए आपको जो है फुटबोर्ड जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप आराम से जो है इस पे पैर रख कर उतर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो पीछे की सीट पर हम चलते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है। तो पीछे की सीट पर जाने के लिए आपको फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप स्टेप इन करके और जो है सीट पर बैठ सकते हैं। तो मेरे जैसा इंसान जो कि ज़्यादा मोटा नहीं है, उसके भी जो है थोड़े बहुत कंधे यहाँ पे टच हो रहे हैं। तो थाई सपोर्ट आप देख लीजिए, थाई सपोर्ट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा थाई सपोर्ट नहीं है।
तो मेरा जो सर है वो यहाँ पे थोड़ा सा टकरा रहा है, तो पीछे जो है आप बच्चे बैठे तो ज़्यादा ठीक है, या फिर थोड़ा सा इस तरह से जैसे मैं अभी बैठा हूँ, थोड़ा सा आगे टकरा के सामने वाले इंसान से जो है बातें करते चलें। अगर मेरे हाइट के लोग हैं, मतलब 5-7 का यहाँ, 5-7 5-8 के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके पैर जो है टच नहीं होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा का कोई बैठा हुआ है तो उसके पैर जो है मतलब घुटने वगैरह जो है सामने वाले से टकरा सकते हैं। तो ये कुछ मुझे प्रैक्टिकली लग रहा है। यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, और यहाँ गेट पर भी जो है आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है इनसाइड डोर ओपनर दिया हुआ है पीछे के लिए, मतलब टेल गेट खोलने के लिए, और ये इसका लॉक अनलॉक स्विच है। और बात करें हम यहाँ की विंडो की, तो यहाँ पर थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन के लिए ये एरिया दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा बहुत एयर सर्कुलेशन हो सकता है। बाकी हवा अंदर तो यहाँ से क्या आएगी, बस जो गर्म हवा है वो निकल सकती है। तो नज़र डाल लेते हैं अब हम इंजन बे की तरफ। बाकी नीचे की हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमें ABC पेडल देखने को मिलता है, किसी भी तरह का डेड पेडल हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है। तो बात करें हम इसके इंजन के बारे में, तो इसमें जो है आपको महिंद्रा का डीजल इंजन देखने को मिलता है 1.5 लीटर, जो कि हमें 100 BHP की पावर निकाल के देता है, और देता है हमें 260 Nm का टॉर्क। तो काफ़ी टॉर्की ये इंजन है, और काफ़ी कम RPM पर भी जो है आपको टॉर्क निकाल के देता है ये। तो महिंद्रा का M-Hawk ये इंजन है, और काफ़ी अच्छा इंजन है, 17 कुछ का माइलेज आपको क्लेम करती है महिंद्रा। और यहाँ पर जो है आपको इंसुलेशन दिया हुआ है, तो इससे जो है थोड़ा जो है गाड़ी के NVH लेवल से जो है गाड़ी के अंदर क्रीप नहीं होते हैं। बात करें अगर हम इसके एक शोरूम प्राइस की, तो जो N8 वेरिएंट है महिंद्रा बोलेरो नियो का, वो जो आपको 9,48,000 रुपये एक शोरूम देखने को मिल जाता है। बाकी ऑन रोड प्राइस के लिए आप नज़दीकी डीलरशिप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस डीलरशिप का नंबर भी आपको दे सकता हूँ, आपको जो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स टू महिंद्रा टोंक। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और इस वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आपको जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। तो मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।